तो आज मैं एक रिजॉर्ट का वीडियो शेयर कर रही हूँ, अद्वैता सेरेनिटी रिजॉर्ट, जो अराउंड मैसूर रोड में और बहुत ही प्यारा है। तो पहले तो मैं यहाँ पे गेट से एंट्री ले रही हूँ। हम लोग बैंगलोर से यहाँ पहुँचे थे तो ऑन टाइम ही थे। हम लोग मैसूर चामुंडेश्वरी टेम्पल होते हुए इस जगह पे आए थे, तो हम लोग ऑन टाइम ही था, 12 बजे चेक इन था। तो पहले तो हम लोग रिसेप्शन के पास जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब कर रहे थे। तो शांतनु तो वो सारा जो भी था वो कर रहे थे रिसेप्शन में, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, और मैं थोड़ा वीडियो कवर कर रही थी जो जस्ट एंट्रेंस पे ही था। तो यहाँ देख के तो मुझे अच्छा लगा कि ये जंगल जंगल है। ये वाला रिजॉर्ट एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज़ था, मेरे बर्थडे है और साथ ही एनिवर्सरी भी है, तो उसके लिए ही बच्चों ने शांतनु के साथ मिलके ये रिजॉर्ट बुक किया था मुझे बर्थडे पर सरप्राइज़ करने के लिए। तो अभी जा सारे फॉर्मेलिटीज़ हो रही है और मैं छोटे छोटे मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो ले रही हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब लगता है कि एक दिन या 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो आसपास जितना है, मैं बहुत एक्साइटेड थी ये रिजॉर्ट देखे क्योंकि काफ़ी सुंदर दिख रहा था, मतलब जंगल के जैसा दिख रहा था। दोनों बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो फाइनली सारे ये लालटेन देख के भी बहुत अच्छा लगा। बचपन में जब गांव जाते थे तो वहाँ ये सब लालटेन था। तो अब फाइनली सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई और हम लोग अपने कॉटेज की तरफ जा रहे हैं। तो कॉटेज तक आप डायरेक्ट गाड़ी से जा सकते हैं, तो हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं। आप रोड देखिए और ये मतलब रिजॉर्ट के अंदर ही है, कितना अंदर है, मेन गेट से बहुत ही अंदर है और पूरा जंगल जंगल है। तो शुरू में तो हमें डर लग रहा था कि मतलब किधर रास्ता है किधर रास्ता है, बट ठीक है, बहुत इजी था पहुंचना कॉटेज तक। ये सारा रिजॉर्ट के अंदर ही, रिजॉर्ट जो है पूरा जंगल जंगल ही लगेगा। और बारिश हुई थी तो इसलिए मीठा मिट्टी जो है वो थोड़ा ग्रीन था और गीला गीला था, और काफ़ी ग्रीनरी थी इस रिजॉर्ट में। तो अगर आपको ग्रीनरी और रिलैक्स चाहिए तो भी बहुत बढ़िया है। इसमें वैसे एक्टिविटीज़ भी है, और हम लोग तो कॉटेज लिए थे, यहाँ पर रूम्स भी हैं, बट रूम्स का मुझे पता नहीं कैसा है और क्या चार्जेस है, इसका मैं सारा डिटेल दूंगी। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और मैं पूरा वीडियो में एक एक चीज़ को कवर करूंगी जो भी इस रिजॉर्ट के अंदर है। तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि हम लोग कितने जंगल में कितना अंदर जा रहे हैं। सच में हमें भी वैसे ही लग रहा था कि हम लोग जंगल में कितना अंदर तक जा रहे हैं और कहाँ है हमारी कॉटेज। तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे गाड़ी में बैठ कर। फाइनली हम लोग बहुत जल्दी अपने कॉटेज पे पहुँच गए। दोनों साइड बहुत ही जंगल है और काफ़ी अच्छा है। तो अगर अराउंड मैसूर आप रिजॉर्ट देख रहे हैं तो ये तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें ज़रूर जाइए। तो ये हम लोग कॉटेज वाले एरिया में पहुँच गए, और गाड़ी जो है ना एकदम कॉटेज के पास अपने पार्क कर सकते, कोई दूर नहीं, एकदम जहाँ कॉटेज है बस उसी के एंट्रेंस पे। तो ये फाइनली हम लोग कॉटेज के पास पहुँच गए और ये हमने गाड़ी पार्क कर ली। तो ये देखिए कॉटेज है और गाड़ी है, तो इतनी नज़दीक आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ कॉटेज के अंदर, और काफ़ी स्पेसियस था, बड़ा था। हमने दो कॉटेज बुक किए थे, ये बीच में जो डोर है ना वो अगर लॉक कर देंगे तो ये लोग दो कॉटेज को काउंट करते हैं, और अगर बीच में जो डोर है मैं वो डोर भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए रूम का साइज़ कितना बड़ा है, कितना स्पेसियस है, बेसिक चीज़ जो होता है हर रिजॉर्ट में वो यहाँ भी है। और ये एक्स्ट्रा रूम भी है, मतलब बेडरूम जो रूम है उसके ऊपर बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस था, और थोड़ा ड्रेसिंग रूम भी है, कितना स्पेसियस है। और ये ड्रेसिंग रूम है, कबर्ड भी काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत ही स्पेसियस ये जगह था। तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे एक दिन के लिए थे, बट यहाँ पे ये डोर के पीछे भी मैं बताऊँगी क्या है। अभी रात दोपहर था, हम लोग को जल्दी जाना था लंच करने, सबको भूख लग रही थी, तो इसलिए हम मैं वो डोर अभी नहीं खोल रही हूँ और बस रूम दिखा रही हूँ। ये रूम है और ये एग्ज़िट, मतलब मैं इसी ही अंदर आई हूँ। और ये जो दरवाज़ा है ये बीच में बंद कर देते हैं, तो ये लोग दो रूम को कंसीडर करते हैं, पर हमने ने ये दोनों कॉटेज को बुक कर लिया था। तो अभी जस्ट हम लोग एक्चुअली हम लोग मैं बैंगलोर से चामुंडेश्वरी टेम्पल भी गए थे, उसके बाद यहाँ आए थे, तो सबको भूख लगी हुई थी, तो इसलिए फटाफट बस आए। और हम लोग हाथ मुँह धो के इस रिजॉर्ट के अंदर, इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, मैं वहाँ भी लेके जाऊँगी। और मैं ये दूसरे रूम जो फर्स्ट रूम मैंने दिखाया, अभी ये सेकेंड रूम का भी बाथरूम
और ड्रेसिंग एरिया, और इसके पास भी एक दरवाज़ा है जो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ओपन करके दिखाऊंगी क्या है। और यहाँ भी सारा बेसिक चीज़ जो होता है वो है। तो अब मैं कॉटेज के बाहर जो दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना ग्रीनरी है और कितना क्लीन है, कितना शांत है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ बहुत अच्छे से आप सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा था। ये देखिए कॉटेज कितना प्यारा प्यारा कॉटेज है। और सबसे बड़ी बात ना, इस कॉटेज के अंदर एसी नहीं है, सिर्फ फ़ैन है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ठंडा रहता है, यहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि एसी की ज़रूरत है। पूरा जो कॉटेज है ना वो पत्थर से बना हुआ है। और ये देखिए टर्की, ये भी घूम रहा है। छोटा सा इन लोगों ने जू भी बनाया था, मतलब चिड़िया और खरगोश था, जो मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ सभी का। तो यहाँ पर खरगोश भी है और तरह तरह के चिड़िया भी है। ये देखिए कितने सारे खरगोश हैं। और ये मैं जिस तरफ अभी जाने वाली हूँ वो एक्चुअली डाइनिंग हॉल है। तो अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं और ऑन द वे जो भी चीज़ें मैं कवर कर लूँ। तो डाइनिंग हॉल भी आप देखिए कितना बड़ा है और कितना सुंदर है और कितना स्पेसियस है। चेयर वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, टेबल भी काफ़ी बड़ा है, मेनू कार्ड भी है जो रीजनेबल है। सारे जो आइटम हैं वेज और नॉन वेज दोनों है यहाँ पे, बट सारे रीजनेबल प्राइस है। हम लोग नॉन वेज ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छे टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब हम लोग थोड़ा डर भी रहते लेकिन हमें भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऑर्डर कर दी और बहुत अच्छे से खाया, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑर्डर किया, इसलिए मैं दोनों का रिव्यू दे रही हूँ कि बहुत टेस्टी था। अभी खाना खाने के बाद वापस हम लोग रूम के तरफ ही जा रहे हैं, कॉटेज के तरफ ही जा रहे हैं। तो बस मैं फिर से कॉटेज का वीडियो ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर था और मैं बार बार, मतलब मैं बार बार इन फ़ोटो ही देख रही थी, कॉटेज पे ही बाहर ही थी। ये स्विमिंग पूल देखिए, स्विमिंग पूल भी बहुत बड़ा है, स्पेसियस है। और जो रिजॉर्ट में होता है जिपलाइन वगैरह, वो सारे इसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो आप बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और अगर आप कपल आ रहे हैं यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो भी बहुत बढ़िया है। और बच्चों ने तो सारे एक्टिविटीज़ किए जो भी थे, जिपलाइन, और अभी एक साइकिल वाली भी जिपलाइन कुछ है ना, मैं उसका नाम एग्जैक्टली जानती नहीं हूँ, तो वो भी किए हैं बच्चों ने भी, और स्विमिंग पे भी थे, तो इसलिए बच्चे कर रहे थे तो मैं बस ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत क्लीन है, बहुत बढ़िया जगह है। मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ बहुत ही बड़ा हुआ, मतलब बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मुझे पसंद आया कि ये बर्थडे में ये रिजॉर्ट मुझे सरप्राइज़ में लेके गया। तो बच्चों ने तो कर ली सारी एक्टिविटीज़ और मैं शांतनु इनके फ़ोटो ही ले रहे थे, फ़ोटो और वीडियो ले रहे थे, क्योंकि मुझे तो डर लगता है हाइट से, मैं नहीं जाती हूँ ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए। बच्चे ही इन्जॉय कर लेते हैं, तो हमारा पैसा इधर ये लोग ही वसूल कर लेते हैं। फिर बच्चे जो है वो रिजॉर्ट ये स्विमिंग पूल में भी गए काफ़ी। फर्स्ट डे हम लोग करीब लंच के बाद करीब 3-4 बजे इन लोग आराम से इन्जॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। बहुत क्लीन है पानी, बहुत अच्छा है, बहुत मेंटेन है ये रिजॉर्ट, आप बिंदास इसको बुक कर सकते हैं। और ये देखिए जो मैं जंगल बता रही हूँ, जंगल में कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। ये चिड़िया, चिड़िया की आवाज़ सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, वो बहुत प्यारे प्यारे चिड़िया थे और बहुत वैरायटीज थी। ये जो वीडियो है ये 26 मई 2024 का ही है। अब मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए जा रही हूँ। ये सारे पेड है, मतलब ये इंक्लूड इसमें नहीं है, तो लेकिन वैरायटी है और क्वालिटी भी है, दोनों ही है, काफ़ी अच्छा है। और अभी करीब 6-7 बज गए थे, तो यहाँ पे भी जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं बच्चे कर रहे थे, तो जो भी था, साइकिलिंग भी यहाँ पर था, साइकिल भी था, पूरा रिजॉर्ट को साइकिल से घूम सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं रिजॉर्ट में बेसिक सारे हैं यहाँ पे। अब हम लोग हाँ स्नैक्स खाने के बाद वापस से रूम के तरफ ही जा रहे हैं। तो मैं अभी रात को कैसा दिखता है वो मैं आपको वीडियो पूरा कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइकिल भी रखे रहते हैं, आप रिजॉर्ट के अंदर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और
वॉक करके मैं जा रही हूँ। देखिए दोनों साइड जो है लालटेन अभी ऑन हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सीन। मतलब अगर आप कपल आ रहे हो या ऐसे भी आ रहे हो तो बहुत रोमांटिक ये चीज़ लगती है। हाँ बच्चे तो थोड़े डर भी रहे थे कि कहीं सांप ना आ जाए, पर ऐसा नहीं है, जंगल है, बहुत क्लीन है, बहुत मेंटेन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये लोग भी अपना फोटो सेशन अपना कर रहे हैं, दोनों झगड़ा भी कर रहे थे, दोनों फोटो वोटो भी खींच रहे थे। खैर इन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया और मैं तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये देखिए अभी शाम का 7 बजा, बीच में पेड़ों के बीच में आसमान कैसा दिख रहा है, और अभी जो टाइम है 7 बज रहे हैं, 7 बजे ये लग रहा है कितना घना अंधेरा हो गया है, बट ऐसा नहीं, और पूरा शांत है। ये थोड़ा मेन रोड से ना रिजॉर्ट जो है बहुत अंदर आ जाता, मतलब मेन रोड पे गेट है, एंट्रेंस है, बट रिजॉर्ट जो है ना एंट्रेंस से काफ़ी अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे रोड का कोई भी शोर साउंड नहीं आता है, तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। मतलब एक दिन मेरे, हम लोग तो यहाँ पे एक दिन ही रहते तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2-3 दिन के लिए भी आ रहे तो भी मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा और शांत जगह है। ये देखिए सिर्फ 7 ही अभी बजे हैं, और कैसा लग रहा है ना, दोनों साइड लाइट है। फाइनली मैं अपने कॉटेज के पास पहुंच रही हूँ। कॉटेज जिस दिन मैं गई थी 26 मई को, पूरा बुक था, पूरा पैक था, और यहाँ रूम भी है, रूम भी एक्चुअली पूरा पैक्ड है। पार्किंग की कोई चिंता नहीं कीजिए, अगर कॉटेज बुक करें तो जस्ट कॉटेज के सामने आपकी गाड़ी बुक पार्क होगी, और रूम बुक करें तो रूम के सामने ही गाड़ी आपकी बुक होगी। मैं वो भी पार्किंग का एरिया दिखाऊंगी और रूम भी दिखाऊंगी। तो ये रात में देखिए हमारे कॉटेज के आसपास कैसा दिख रहा है, रूम लाइट है, ऐसा नहीं कि डरावना या अंधेरा है, आपको लाइट दिख रहा है, और बहुत सारे शो प्लांट है, बहुत वैरायटी के फ्लावर्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब हम लोग वापस इवनिंग स्नैक्स करने के बाद एक राउंड मैसूर का लगाने गए थे, अभी वापस हम लोग आ रहे हैं, तो अभी गाड़ी से भी मैं रिजॉर्ट को दिखाऊंगी, मतलब अभी मैं गाड़ी से ही अपने कॉटेज तक जाऊंगी। तो रात में ये रास्ता देखिए कैसा लगता है, एंट्रेंस के अंदर, मतलब ये कोई भी मेन रोड नहीं, ये रिजॉर्ट का ही पार्ट है जो मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ। गाड़ी से अभी मैं जा रही हूँ, और दोनों साइड लाइट है, दोनों साइड जंगल है, और काफ़ी अच्छा है, और ग्रीनरी बहुत है इस रिजॉर्ट में, और बहुत चिड़ियों की आवाज़ आती है, चहकाने की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा सूथिंग है ये जगह, रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और बैंगलोर की जो स्थिति अभी भाग दौड़ वाली लाइफ और ट्रैफिक वाली लाइफ है, यहाँ पे आप रिलैक्स हो के आ सकते हैं। यार आप ऑन द वे कुर्ग या मैसूर, कुर्ग या ऊटी जा रहे तो भी बीच में ब्रेक चाहिए तो ये वाला भी रिजॉर्ट आप बुक कर सकते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कॉटेज का 3,500 है। मैं इसका डिटेल्स डाल दूंगी, लेकिन सिर्फ उसके अंदर ब्रेकफास्ट है, डिनर और लंच आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इवन इवनिंग स्नैक्स भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट देते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में भी बहुत वैरायटी होती है। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगी उसमें भी मैं आपको नाश्ता का पूरा दिखाऊँगी कि कितने सारे वैरायटी हैं। तो फाइनली हम लोग जो है अपने कॉटेज के बहुत करीब पहुंच गया मैसूर का एक राउंड लगाने के बाद। काफ़ी अंधेरा भी लग रहा था और शांत भी रहता है, क्योंकि अभी एक्चुअली सारे कॉटेज वाले लोग ना मैसूर ही घूमने गए हुए हैं, तो कुछ में लोग हैं कुछ में सब मैसूर घूमने वाले हैं। अभी 7 ही बजे है ना, सॉरी अभी 8:30 हो रहे होंगे, तो फाइनली हम लोग अपने रूम के पास पहुंच गए। आप रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है, और ये रिजॉर्ट भी इंजॉय कीजिए कितना अच्छा। अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, एक्चुअली ये रिजॉर्ट में ना आप कुछ इवेंट भी कर सकते हैं, लाइक एंगेजमेंट है, शादी है, पार्टी है, कुछ भी कर सकते हो। जिस रात हम लोग यहाँ रुके थे उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे बेबी शावर का था, तो यहाँ डेकोरेशन कर रहा था, और दिस मतलब ईयर वाली रात ये लोग कैंडल लाइट डिनर अरेंज किए थे, और बोन फायर भी था जो आप देख रहे होंगे, और डेकोरेशन भी चल रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे ही किसी ने बुक किया था बेबी शावर के लिए। ये देखिए बोन फायर है, और ये आज इन लोगों ने ये डिनर जो है ओपन में किया था, मतलब गेस्ट के लिए उन लोगों ने बोला कि ओपन एरिया में डिनर अरेंज किया है, तो डिनर जो है वो पेड था, आप ऑर्डर करो और करो। तो हमने यहाँ पे नॉनवेज ही किया था, चाउमीन, चिली चिकन, लॉलीपॉप और पास्ता, बहुत टेस्टी खाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं वीडियो दिखा रही हूँ, जो मैं दरवाज़ा बता रही थी ना, ड्रेसिंग रूम में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोलने के बाद
पीछे जो है ये इतना एरिया है। तो अगर आप कुछ एनिवर्सरी या बर्थडे प्लान कर रहे हैं तो ये वाले पार्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो टेबल चेयर लगा नेक्स्ट डे कर। मॉर्निंग, अब दिन में ये जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं बता रही हूँ ये सुबह सुबह करीब 7 बजे का है, और 7 बजे देखिए कितना चिड़िया की अच्छी आवाज़ आ रही है और कितना खूबसूरत ये जगह लग रहा है। तो बच्चे तो सो रहे थे तो मैं और शांतनु ही सिर्फ वॉक पे निकले, क्योंकि ये रिजॉर्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मैं वापस से एक राउंड लगा रही हूँ और कुछ कुछ चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूँगी। मैं सारे कॉटेज को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब फ्लावर भी बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत सुंदर फ्लावर, मतलब बहुत कलरफुल फ्लावर थे। और ये देखिए रिजॉर्ट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे कॉटेज जो हैं बहुत प्यारे हैं और किसी इधर एसी नहीं है इस कॉटेज में, मैं शायद पहले भी बोली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा रहता है, फ़ैन वो लोग देते हैं। और ये सब फ्लावर्स जो है मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ये सब भी रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। और ये सारे पार्ट जो है ना रिजॉर्ट के अंदर का ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको कोई इवेंट ओपन में भी करना है, यहाँ पर शायद किसी ने बर्थडे किया था तो कुछ डेकोरेशन किया हुआ था, तो वो यहाँ पे आप कुछ भी इवेंट करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और हाँ ये पेट फ्रेंडली भी है, आप अगर पेट को भी लेके आते हैं तो भी, मतलब ये रिजॉर्ट में अलाउड है, तो आप यहाँ पे पेट के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मैं पूरा डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हम लोग तो यहाँ से बैंगलोर से गए थे, आप उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्टेंस डाल दूँगी, आप उस हिसाब से चेक कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस लगता है। ये मैसूर मतलब चामुंडेश्वरी टेम्पल से मैं बोलूँगी तो 14 किलोमीटर है, और बाकी बैंगलोर से मैं, मुझे याद नहीं है, मैं देखना पड़ेगा, मैं सब इसमें डाल दूँगी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हम लोग चामुंडेश्वरी टेम्पल गए थे उसके बाद यहाँ से आए थे, तो इसलिए टेम्पल से ये रिजॉर्ट जो है वो 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट रोड अच्छी है और सब कुछ अच्छा है तो कोई डिस्टेंस नहीं है। और अभी तो बैंगलोर टू मैसूर की भी रोड बहुत बढ़िया है, आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंच जाइएगा ये रिजॉर्ट अगर बैंगलोर से प्लान कर रहे हैं तो। तो ये दिन का है, मैं वॉक कर रही हूँ और धीरे धीरे मतलब वॉक कर रही हूँ ताकि मैं एक एक चीज़ को कवर कर लूँ, सारे प्लांट्स ट्री नेचर जो है वो सारा मैं कवर कर लूँ, ताकि आपको डिसाइड करने में इजी हो कि ये रिजॉर्ट जाने लायक है या नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं इसे 5 स्टार दूंगी क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और अच्छा भी है, बहुत सुंदर है। मेंटेन यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सर्विस यहाँ पे, जो भी है स्टाफ बहुत हेल्पिंग है और बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के स्टाफ भी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के साथ होता होगा लेकिन हमारे साथ यहाँ पे स्टाफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब 100%। ये फ्लावर बचपन में हमारे घर पे था इसलिए मैं खुश हो गई ये देख के कि मैं इसे कितने दिन के बाद देख रही हूँ। 2-3 ऐसे फ्लावर निकले दिखा और प्लांट दिखे जो मुझे बचपन की याद दिला रही थी, तो मैं बार बार उसी तरफ जा रही थी। अभी मैं वापस रिसेप्शन की तरफ आ गई। अभी ये देखे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टी कॉफ़ी ऑमलेट, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे थे। वाटरमेलन मैं बताती हूँ, पहले मैं सारे आइटम बताती हूँ। कैरेट हलवा, ये शायद भात कुछ होता है, ये सेट डोसा, सांभर मेरा फेवरेट, चटनी, वड़ा और इडली। हम लोग नाश्ता के लिए थोड़ा लेट पहुँचे थे बट स्टाफ ने मुझे गर्मा गर्म वापस से सब बना के दिया। ये छोटा छोटा वाटरफॉल है। नाश्ता के लिए अगर मैं आप लेट भी पहुँचेंगे तो यहाँ के स्टाफ जो है ना ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको गरम गरम बना के देंगे सब। हम लोग लेट पहुँचे तो भी हमें नाश्ता उन लोग ख़त्म ही हो चुका था, फिर भी उन लोगों ने फिर से बना के हमें दिया, तो इसलिए मुझे कोई भी इस रिजॉर्ट से कंप्लेन नहीं है। ये थोड़ा सा पार्क है, छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए मस्त पार्क है, और यहाँ पे भी थोड़ा जू है, बहुत वैरायटी के बर्ड है जो बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे क्या, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो लोग इतना चींची चींची कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये झूला है, थोड़ा क्रिकेट बच्चे कुछ दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उसके साथ शांतनु भी क्रिकेट खेलने चले गए, उनको भी पसंद है तो वो खेलने चले गए। तब मैं फिर एज यूजुअल मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही थी। बास्केटबॉल भी यहाँ पर है और वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन भी है। ये जो मैं इवेंट का बोल रही थी ना बेबी शावर का, तो यहाँ पर वो इवेंट स्टार्ट हो गया था
और यहाँ पे भी इवेंट होता है, तो यहाँ पे भी आप इवेंट वाला एरिया ले सकते हैं, बट अभी वो दूसरे तरफ हो रहा था। स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है, अगर आपके बहुत सारे गेस्ट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग बहुत है, अच्छा है। ये स्विमिंग पूल के पास है ये वाला एरिया, तो स्विमिंग फेस वाली आप इवेंट के लिए ले सकते हैं। तो ये वाला है, पूरा जंगल जंगल है। तो अब मैं वीडियो एंड करूँगी और होप आपको ये रिजॉर्ट पसंद आएगा और मेरा वीडियो भी पसंद आएगा। मेरा बर्थडे और एनिवर्सरी सेम डे है, तो इसलिए ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, सरप्राइज़ गिफ्ट था। और अब मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चामुंडेश्वरी टेम्पल एंड रिजॉर्ट के हमारी फैमिली फ़ोटोग्राफ।